बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ वीडियो लाइक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैं अपने गाँव के कब्रस्तान में पहुँचा। दरअसल जी, इधर जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा हो गया और मैं घर से जी टैंकी स्प्रे की लेकर आया हूँ। तो इधर जी स्प्रे वगैरह करनी है ताकि जड़ी बूटी जी खत्म हो जाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे गाँव के जो लोग हैं वो जी कम कब्रस्तान में आते हैं, जिसकी वजह से जी जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा हो गया। और अभी मैं घर से जी टैंकी स्प्रे के लिए कराया हूँ साजी स्प्रे। तो इधर जी स्प्रे करते हैं ताकि जड़ी बूटी जी खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये रही हमारे गांव की कब्रस्तान, और कब्रस्तान नहीं, ये जंगल वगैरह लग रहा है। ये इधर देखो जी, जड़ी बूटी कितनी ज़्यादा तादाद में आ गई है। लोग जी इधर सफाई वगैरह करने नहीं आते, ये देखो जी। तो अभी जी इधर स्प्रे करते हैं जी ताकि जड़ी बूटी सूख जाए और कोई जी निज़ाम सेट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जी दवाई ले कराया हूँ टारजन कंपनी की। तो ये डे टैंकी जी करनी है। ये जी रही स्प्रे वाली टैंकी। तो अभी जी उधर जी एक टूबा वो आपको नज़र आ रहा होगा, उधर से जी ये दवाई जी टैंकी में हल करके तो अपना काम जी शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले इसमें पॉइंट डालते हैं और बाद में जी दवाई हल करके तो अपना काम जी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी आधी स्प्रे डाल दी है और आधी रह गई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कब्रस्तान के पास ही जनाजगाह थी तो मैंने जनाजगाह में पहले जी स्प्रे कर दी। तो अभी करते हैं जी कब्रस्तान में। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है अपने इलाके में जी कपड़ों की सफाई करनी चाहिए। तो अभी करते हैं जी कब्रस्तान में, उधर भी सफाई करते हैं। डर गए क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक टैंकी मैं मुकम्मल कर रहा हूँ कब्रस्तान में और अभी जी थोड़ी सी जगह बच गई है। तो आधी टैंकी जी और करेगा ताकि जी सारा काम जी खत्म हो जाए। तो अभी जाके फिर जी टैंकी भर के आते हैं और आधी जो रहती है फिर जी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफाई मैंने कर दिया। तकरीबन मुझे जी 20-25 मिनट लगे और आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जी पसीना कितना ज़्यादा आ गया। धूप में जी मैंने काम किया क्योंकि जी मैंने सोचा कि काम जी जल्द से जल्दी करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी निकल गया जी घर की तरफ। घर पहुँच गया हूँ, आके जी खाना वगैरह खाया और अभी जी चलते हैं दोस्त के पास। आज जी टूल चलाना, मुंजी को पानी लगाना। तो अभी दोस्त को लेकर चलते हैं खेत में और जाके जी टूल चला के खेत को जी अल्हम्दुलिल्लाह पानी लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोस्त खेत में तेल लेकर तो जा रहा जी और मैं जी गधे पर जा रहा हूँ क्योंकि इसको भी खेत में जाके जी बांध रहा, उधर से जी चारा खाएगा और साथ ही हम लोग टोल चला लेंगे। तो अभी ये हमारी वैगन भी जा रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, खेतों में मैं टूबल के पास पहुंच चुका हूं और आज जी दो खेत को पानी लगाना। इधर जी दो कनाल का खेत है इसको पानी लगाना और नीचे जी चार कनाल का खेत है उसको पानी लगाना। तो अभी जल्दी से जी टूबल चला के तो पानी जी लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टप्पा वगैरह हम लोगों ने उतार लिया, अभी सामान उतार के तो जल्दी से जी काम रेडी करते हैं। बहुत धीमे जी पानी नहीं है इसलिए जी मैं अभी पानी लेने जा रहा हूँ जो कि टूबल में जी डालना। इधर देखते अगर पानी हुआ तो जी ले जाएंगे। ये जी इधर से लेके चलते जी पानी। बिस्मिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी पट्टा वगैरह लगा दिया जी इंजन के साथ। अभी जी निकाली जा रही है जी हवा इसकी ताकि पानी जल्द से जल्द बाहर आ जाए। चंद मिनटों में जी पानी आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी आ चुका जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी टूबल हमारा चल चुका और भाई बोरा जी पहले नीचे वाले खेत को पानी लगाना क्योंकि ऊपर वाले खेत को जी जल्दी लग जाता तो इसकी जी थोड़ी सी मुसीबत होती है। तो पहले जी नीचे वाले खेत को जी हम लोग पानी लगा रहे हैं और आज से दो दिन पहले हम लोग जी ये खाल वगैरह भी साफ कर गए थे। ये देखो जी अभी पानी आराम से गुजर जाएगा। माशाल्लाह जी चंद ही मिनटों में जी पानी खेत में पहुंच जाएगा। ये रहा है खेत, तो उधर आ जी नक्का तो उधर से जी खेत में पानी जाएगा। तो अभी बड़ी स्पीड से पानी जा रहा है। स्पीड से पानी जी इसलिए खेत में जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये खाल साफ किया और जब वो खाल साफ हो तो जी बहुत ही जल्दी पानी जी खेत में पहुँच जाता जी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप लोग चेक करो स्पीड जी पानी की कितनी तेज़ी से जी आगे की तरफ जा रहा जी। माशाल्लाह जी यह जी गया पानी खेत में। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का ब्लॉग इधर ही करते हैं खत्म और मुझे कमेंट में बता देना आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथ बेल आइकन को दबा दी ताकि मैं नई आने वाली हर वीडियो साथ पहले आपके पास पहुंचे। शुक्रिया।